देखिए राजीव जी, एक बार राजीव गांधी बिलियर्ड्स के एक नेशनल प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करने गए और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज लाइक बिलियर्ड्स, यू हिट वन बॉल, अनदर बॉल इज हिट एंड द थर्ड बॉल इज पॉटेड। तो वास्तविकता में मैं देख रहा हूं कि जो बिहार के अंदर हुआ और जो ये पैदल यात्रा से हुआ, ये कांग्रेस ने बिलियर्ड्स के गेम को सीख लिया है। मैं श्रवण जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की सारी बंदूकें और सारी तोपें जो तनी हुई हैं, वो परिवारवाद पे तनी हुई थी, वो राहुल गांधी पे तनी हुई थी, वो सोनिया गांधी पे तनी हुई थी। एक इस प्रकार का बिलियर्ड्स की एक शॉट कांग्रेस ने खेली है कि एक तरफ पैदल यात्रा से वो जनता से जुड़ रही है और दूसरी तरफ इस समय एक ऐसे क्षेत्रीय छत्रप की आवश्यकता कांग्रेस को है जो हिंदी प्रदेशों में आए, क्योंकि बीजेपी को चुनौती बिहार से मिल रही है, उत्तर प्रदेश से मिल रही है, हरियाणा से मिल रही है, महाराष्ट्र से मिल रही है, मध्य प्रदेश से भी मिल रही है। और इस समय जो साउथ के एरिया हैं वो पूरी तरह से वैसे ही बीजेपी मुक्त हैं। तो अगर गेन करना है आपको, तो गेन आपको एक ऐसे राज्य से करना है जहां पे बीजेपी की पूरी सीटें हैं और उसको आपके कांग्रेस की तरफ लाना है। और दूसरी बार राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो स्टैटिस्टिशियन हो, चाहे वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, वो ट्रेंड एनालिसिस करता है। ट्रेंड एनालिसिस का अभिप्राय ये कि ट्रेंड रिवर्सल जब होता है वो समय होता है मार्केट के अंदर आने का या निकलने का। कांग्रेस का और विपक्ष का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बीजेपी का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। एक ट्रेंड जो कांग्रेस की पिछले 8 साल से नीचे की तरफ जा रही थी और बीजेपी की ट्रेंड जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, तो किसी भी सामान्य आदमी के लिए यह उचित था कि जिसकी ट्रेंड ऊपर जा रही थी उधर उछल के चला जाए और जिसकी ट्रेंड नीचे जा रही है उसको छोड़ दे। ये अमरिंदर सिंह ने भी किया, ये गुलाम नबी आजाद ने भी किया और बहुत सारे लोगों ने किया। जो ये 2 महीने के अंदर हुआ है, ये ट्रेंड चेंज हुई है, तो ये अशोक गहलोत साहब की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा तो लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अब ट्रेंड बदल गया है। और ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं, ये जो पूंजीपति होते हैं, ये जो उद्योगपति होते हैं, ये ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है क्या। वास्तविकता में जो केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो रिस्पांस मिला है, उससे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जो तोड़ है वो क्या करे। एक प्रकार के क्रिकेट में एक ऐसी गुगली है जो पता नहीं चल रहा है कि एक्शन लेग ब्रेक का है, ऑफ ब्रेक का है, लेग ब्रेक होगी, ऑफ ब्रेक होगी, किधर मुड़ेगी, किधर जाएगी। तो वास्तविकता में ये जो गेम हो रहा है, ये बिलियर्ड्स का गेम हो रहा है। और इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरा ये मानना है, मेरी एनालिसिस का ये मानना है कि बीजेपी के रणनीतिकार आज बहुत अचंभित होंगे, बहुत समस्याग्रस्त होंगे कि ये जो गुगली है इसको खेला कैसे जाए। देखिए वास्तविकता में चाणक्य जो था, अब आप ओरिजिनेशन देखिए कि चाणक्य कहां के थे। चाणक्य राजस्थान के नहीं थे, गुजरात के नहीं थे, महाराष्ट्र के नहीं थे, वो बिहार के थे। तो ये जो चेंज हुआ है, और चाणक्य ने देखिए एक बहुत अच्छी बात कही थी राजीव जी, चाणक्य ने कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जिसके मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अगर मंत्री निर्भीक होकर बोलेंगे तो लोकतंत्र भी कायम होगा, राजा को भी पता होगा कि क्या ट्रेंड है, क्या चेंज हो रहा है, नीचे जो जमीन पे हरकतें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, और राजा को ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि वो निर्णय सही ले सके। आज बीजेपी के अंदर मंत्री निर्भीक होकर नहीं बोलते हैं। तो अगर शशि थरूर लड़ते हैं साउथ से जो ब्राह्मण हैं और राजस्थान से एक बैकवर्ड माली कास्ट के एक गहलोत लड़ते हैं, वो वेस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, ये गांधीवाद को और ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते हैं,
तो ये मंत्रियों को निर्भीक होकर बोलने, उनकी राय को सुनने, यही इंदिरा गांधी जी से गलती हुई थी 74-76 में, जब प्रेस की आजादी पे उन्होंने कंट्रोल किया था तो उनको सुबुकाहट सुनाई नहीं पड़ी थी, धरती की आहट उनको सुनाई नहीं पड़ी थी, और वही गलती आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष को खामोश कर रहा है, जनता को खामोश कर रहा है, जनता को और विपक्ष को डरा रहा है। तो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, राहुल गांधी को बिल्कुल अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहिए, उनको पदयात्राएं करनी चाहिए, उनको जनता से जुड़ना चाहिए, और जनता जिसके साथ जुड़ेगी, चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे शशि थरूर बने, कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, वो मजबूर होगा कि राहुल गांधी की इस जो अब ट्रेंड है, ये जो ट्रेन चल रही है, इसमें चढ़े और नीचे उतरने का प्रयास नहीं करे, वरना उसको चोट लग जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आज की तारीख में ऐसा युद्ध की रणनीति कांग्रेस की होनी चाहिए कि बीजेपी को यह समझ में ना आए कि जिनकी तरफ उन्होंने सारे तीर तरकश अपने छोड़ रखे थे, अब वो सामने नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ें जो शुद्ध गांधीवादी है, जो जनता से मिलतो जुलता रहता है, जनता से उसका संपर्क है और शुद्ध कांग्रेसी है। तो इस समय निर्णय कांग्रेस को लेना है, लेकिन जो मेरी एनालिसिस कहती है, राहुल गांधी जी को कतई अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहिए।